नमस्कार दोस्तों, बंधन बैंक के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 1.74% की क्लियर आपको गिरावट दिखाई दे रहा है। तो उसके साथ देखेंगे स्टॉक में यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है और पिछले कई दिनों से लगातार स्टॉक में कंटिन्यूसली गिरावट बना हुआ है। तो अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या स्टॉक में और भी गिरावट आएगा, तेजी आएगा, तो क्या कंडीशन बनेगा, अगर ऊपर बढ़ेगा तो क्या टारगेट बनेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्टेबल रहेगा, सभी कंडीशन को समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो उसको नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर बंधन बैंक स्टॉक अब एग्जैक्टली एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है और स्टॉक कंटिन्यूसली अपना ट्रेल लाइन को रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसी कंडीशन के हिसाब से आपकी सपोर्ट लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि 166.80 रुपये के पास में, रेजिस्टेंस लाइन देखो दिखाई दे रहा है 220.70 रुपये के पास में, और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं स्टॉक यहाँ पर अपना एक सपोर्ट लेवल के पास में रुका हुआ है। तो जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली स्टॉक में तेजी आएगा, अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं और स्टॉक यहाँ पर एक रेंज बना रहे तो संभावना बिल्कुल हाई रहेगा स्टॉक ऊपर बढ़ेगा, और यहाँ पर जैसे अपना ट्रेल लाइन को ब्रेकआउट करेगा तो ये जो 265 का लेवल है वो आपको हिट करता हुआ नजर आएगा। बाकी इसको ब्रेकआउट करेगा तो 308 रुपये को हिट करेगा, उसके बाद रहेगा 349 का, राइट। तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल आपके सामने नजर आ रहा है जो कि 185 रुपये का है। थोड़ा सा और अगर क्लैरिटी से समझेंगे तो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। तो अब देख सकते हो स्टॉक यहाँ पर इस तरीके से कि हायर है बनाए के ऊपर बढ़ रहा है, इस लेवल को ब्रेकआउट करते स्टॉक में डेफिनेटली तेजी का मोमेंट बनेगा। स्टॉक में दोस्तों बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाया गया है। इस वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद दोस्तों।